कानूनों को लेकर किसान लगातार अपने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर, जहां इस वक्त समय हुआ है तकरीबन सुबह के 9:30 बजे। और इस वक्त का टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस वक्त का टेम्परेचर यहां पर है 8 डिग्री का टेम्परेचर यहां पर है। और मौसम का जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं, क्या विजिबिलिटी है यहाँ पर, कितनी दृश्यता है। वो चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। दूर तक देखे तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मीटर के बाद में देखना लगभग असंभव सा नजर आ रहा है। और इस वक्त यहाँ जो किसान यहाँ प्रदर्शन पर धरने पर बैठे हैं, उनकी जो तैयारियां हैं उन पर सर्दी का जो सितम दिखाई दे रहा है उसे भी आप देख सकते हैं। इस ठंड के मौसम में जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमारा जो हाल है वो आप देख सकते हैं, और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ठंड में ये किसान किस तरह से यहाँ पर रात बिताते होंगे। पूरा दिन भी यहाँ पर निकालना किस तरह से इनके लिए संभव हो पाता होगा। और जब बात आती है रात की, रात में जब टेम्परेचर 8 से भी ज्यादा डिग्री नीचे चला जाता है, उस वक्त यहाँ पर सर्दी का सितम अपने किस दायरे तक पहुंच सकता है उसका अंदाजा आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, चारों ओर जो कोहरा ही कोहरा आपको नजर आ रहा है उसे देखते हुए आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी का इन किसानों पर किस कदर सितम रहता होगा। और इस सितम के बीच, सर्दी के सितम के बीच तमाम तरह की प्राकृतिक जो इन पर परेशानियां आती है उनसे ये किस तरह से झेलते होंगे। और कारण इनका, उद्देश्य इनका महज ये है कि किसानों को लेकर जो कृषि कानून बनाए गए हैं, जो कानून 3 कानून आए हैं उन्हें वापस लिया जाए। किसानों की सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि इन किसानों को लेकर ये कृषि कानून आए हैं सिर्फ उन्हें वापस लिया जाए।